बोतल लगा है। कपड़े कैसे सुखाते वो भी दिखा दो। कहाँ घुसा दिया? तीन तीन बोल। इधर भी दो रूम है वहाँ। ये भी है। इधर भी दो। नहीं वो लेडीज रहती है। स्लाइड स्लाइडिंग। सबका एक एक सेपरेट सेपरेट ब्लॉग है। ब्लॉग है। ब्लॉग के सब अपना ब्लॉग करके आते हैं। रात में दारू साथ में बैठ के पीते। सुबह में भले। तो आज तुम लोग को दिखाने आ रहा हूँ भाई मैं दो टाइप के रूम यहाँ पे कोविड में। एक तो पार्टीशन पर्सनल लेके रहने का और एक पब्लिक के साथ रहने का। पैसे में क्या बेनिफिट ये ब्लॉग में तुम लोग को दिखेगा। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। शेयर कर दो जिससे शेयर करने का। कमेंट में बहुत सारा प्यार छिड़क दो। तो अभी स्टार्ट करते हैं, अभी तुम लोग को रूम दिखाता हूँ। तो व्हाट्सअप क्या बोलती पब्लिक? तो ये सब शॉट है देखो, ये कबाड़े। हम लोग भी पहले ये रूम में ये फ्लैट में रहते थे। सब अलग अलग हो गए, तो कोई अपना फ्लैट ले लिया है, तो कोई अपना स्टूडियो टाइप रूम ले लिया है, तो किसी का कुछ तो किसी का कुछ। अभी आजू बाजू में सब सोए इसके लिए। तो मैं भी ऐसी हालत में उठ के आया अपनी बिल्डिंग से। तो ऐसा सब शॉट है इधर। रूम का टोटल जो रेंट है वो बताऊंगा ये ब्लॉग में, कैसा क्या रहती है वो बताऊंगा। एक एक आदमी का कितना खर्चा होता है, क्या नुकसान है क्या फायदा है सब बताता हूँ। और ये पूरे रूम का कॉस्ट बता देता हूँ। 130 केडी भाड़ा है, 130 केडी। लोग के पास कपाट है, पलंग है, सारी चीज़ें हर एक बंदे की। वही जगह ये अगर एक छोटा पार्टीशन लेके रहता था मेरे जैसा, तो एक आदमी का 60 केडी रेंट जाता। इधर चार आदमी 130 में रहते, 60 केडी विद अटैच बाथरूम। तो उसमें सिर्फ पार्टीशन रहता था, अटैच बाथरूम कुछ नहीं रहता था, बाथरूम बाहर रहता था। इसमें कि चार जन है, कुछ भी इशू नहीं है, बाहर एक वॉशरूम है, यहाँ एक वॉशरूम है। अभी 130 केडी ये लोग पे कर रहे हैं, तो डिवाइड कर लो कितना हुआ, 35 35 ऐसी कुछ भी जो भी है। मेरा मैक्स का बहुत शॉर्ट है। तो ऐसा पब्लिक रहती है। हम लोग भी रियल है, हम लोग कितना 1.5-2 साल थे, चार जन साथ में थे, एक ऊपर नीचे ले झगड़ा लड़ाई लफड़े चिकन चिल्ली मस्ती मजाक एड़े छाले कॉमेडी पिक्चर विक्चर देखने का। ऐसी सब किचन है भाई ये रूम में? नहीं भाई ये बाथरूम। बाथरूम है भाई, नारे ले देखो। पैसे से ऐसा पब्लिक छोड़ दी पैसा, ये इसमें उसका घर चले जाएंगे। पड़े पड़े भाई। हाँ तो ऐसा सब रहती है। तो इतना लोग रेंट पे करते। तो वॉशरूम चोर बाजार जाने का, फ्राइडे मार्केट सब सामान लेके आने का, पलंग नया खरीदने जाऊँगा 20 केडी है, उधर तुम लोग को नया मिलेगा 10 केडी में। फिर ये मैट्रेस, फिर ये कबर्ड। सबका सेपरेट है? सबका सेपरेट, सबका एक एक सेपरेट सेपरेट ब्लॉक है। ब्लॉक है, ब्लॉक है। सब अपना अपना लॉक करके जाते हैं। रात में दारू साथ में बैठ के पीते, सुबह में भले बैठ जाते। तो ऐसा सब सीन रहता है। अभी पब्लिक पे डिपेंड रहता है। अभी कपल रहेगा तो कपल क्या करेगा, उसके आइटम 35 पे 65 पे करेगी, वो 65 पे करेगी। फिर डबल बेड की जगह एक सिंगल बेड, सिंगल बेड आ जाएगा। और इधर एक रावस कबाड़ आ जाएगा। मेरे को ये रूम बेस्ट लगा दिखाने के लिए, तो मैं दिखाया। ज़्यादा डर्टी भी नहीं और ज़्यादा वो भी नहीं है, नॉर्मल है, स्टार्टअप के लिए सही है। जब अलशाया में आते हो तो अलशाया में तुम लोग को अकोमोडेशन देता है, तो वो एक अकोमोडेशन का पर पर्सन से 70 केडी भी ले सकता है, 60 भी ले सकता है, 50 भी। वो सैलरी में डिडक्ट भी होएगा। तो लोग 2 महीने के लिए देते, कभी कभी बंदों को 1 महीने में घर नहीं मिलता, इसके लिए कंपनी 2 महीने के लिए देती। बट उसका फुल एसी फ्लैट एकदम अलग ही होटल टाइप अकोमोडेशन देती है, उसका ज़्यादा चार्ज भी रहता है। तो पब्लिक 1 महीने में ये साइड सालमिया साइड आ जाती है। 25 to 25 यहाँ पे भाड़ा भी देना रहता है और रूम भी शिफ्ट करना पड़ता है। और अपने को सबसे पहला पे करने का है फर्स्ट रेंट और फिर एंटर करने का। एडवांस पेमेंट चलती है यहाँ पे? हाँ एडवांस पेमेंट चलता है, एडवांस पेमेंट पे चलता है सब। और फिर बाद में जब दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरी जगह तुम्हारा यहाँ का खाली किया, यहाँ का ये महीने का रेंट मत दो, लास्ट महीने का, वहाँ जाके वहाँ का वहाँ एंटर हुए। सिंपल डिपॉजिट विपॉजिट कुछ भी नहीं, खुद का फ्लैट लेने का है, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और रेंट करने का ऐसा कुछ है। तो ऐसा लोग सर्वाइव करते, ये रियलिटी है। लोग यहाँ से जब इंडिया आते तो एकदम ऐसा आएंगे कि बंगलो मतलब एकदम अलग पटेली रहती लोगों की। कैसा जाते, मैं खुद जाता हूँ, सब जाते हैं, सबको मालूम है, वो जो चीज़ है वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अंदर में अंडरग्राउंड ये सीन है, रियलिटी में लोग ऐसा रहते हैं। अब ये पलंग वीक हो गई ना तो ऊपर वाला हिलेगा तो खरपुर करेगा रात में, सब परेशान, फिर झगड़ा करेंगे सुबह, हिलता है ऐसा करता है वैसा करता है,
वीडियो कॉल पे लगे रहता है, चक्कर उड़े रहता है, ये सब ये सब समझ रहे क्या? हर फ्लैट में फिल्टर रहता है, शायद ये फ्लैट का शॉर्ट रहेगा, इसमें पब्लिक पानी का बॉटल खुद का परचेस है। अरे अच्छे लोग हैं, साफ सुथरे ही है, डिसेंट है, बेड देख के समझ में आता है। अभी तो ये बैठा था, इसको हटा दिया मैं, इसके लिए इसका बैठ, इसका बैठ ऐसा सही ये इसकी, ये साइज के अंडर बैठ है, अंदर फ्लावर पॉट और इधर फुल बिछता एकदम, फुल पैक बनते बहुत हार्ड है। यहाँ जो भी आता है पार्टी पार्टी करने वाला आता है, आजू बाजू में लेडीज ने सब बैचलर हो गए, सब हेड भगाते अपने अपने टाइम पे। एक तो भाई खराटे लेते अपने असलम भाई पूरे फ्लैट की हेड भगाते, वो चीज़ दिखाते हैं अभी जो चल रहा है वहाँ पे क्या एक रूम ऐसा भी चलता है जो पार्टी चल रही है, ऐसे सडनली लोग बढ़ा देते वहाँ जाके, वही ना फोन नहीं कर रहे ना झाटू लोग बोले बिन बुलाया तो ऐसा शॉट है भाई। कैसे हो भाई? ये रूम का थोड़ा मेरे को अपने लिए शूट करने का है, तो मैं अपना कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन भाई, थैंक यू भाई। बिन हारे थे उनको भी डिस्टर्ब, वो भी सोच रहे हैं कौन आ गया है तो ऐसा सब सीन है भाई। और एसी लगी है, पंखे वंखे का शॉट नहीं इधर, अगर फिर भी तुमको यहाँ दिखाओ फिर भी तुमको गर्म गर्म हो रहा है तो पब्लिक इधर पंखा इनका बांधती है, इधर इधर रखती है, या कबाड़ी इधर रखती है, या तो दोनों को जोड़ के इधर रखती है, इधर इधर रखती है। तो ये सब चीज़ से डरो मत, अभी यहाँ पे खाने के लिए घर वाले नहीं है, सुबह में उठने के बाद मम्मी भाभी बहन दीदी जो भी है लाके देने वाले नहीं है, वो सब शॉर्ट भी है, याद आएगी स्टार्टिंग में, मिस होएगा, लगेगा कि मेरा बेडरूम कितना रावस था इंडिया में और ये मैं क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं, सब चीज़ एक अच्छे के लिए होती है। यहाँ पे भी आएंगे तो एक एक्सपीरियंस लेंगे और कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे और आगे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये सब चीज़ों को देख के ऐसा नहीं कि भाई ऐसा नहीं, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो डियोर पहनता हूँ, मैं तो नाइकी यूज़ करता हूँ, ऐसा वैसा ये हो, समझ रहे क्या? ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है भाई, अरे सबके पास 13, 14, 15 ही चलेंगे, समझ रहे, सब बाहर अलग लाइफस्टाइल जीते सर्वाइव करते हैं, अभी एंड ऑफ द डे पैसे की बात है ना भाई, तो यही सब सीन है पब्लिक। माँ क्या गुल नहीं घूम रही भाई? घूम जाएंगी भाई। तो आज तुम लोग को दिखाने जा रहा हूँ भाई मैं दो टाइप के रूम यहाँ पे कोविड में, एक तो पार्टीशन पर्सनल लेके रहने का और एक पब्लिक के साथ रहने का, पैसे में क्या बेनिफिट ब्लॉग में तुम लोग को दिखेगा, तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो। BMW की चाबी हो गया, अपन लोग इंटर फ्लैट में, कपड़े कैसे सुखाते वो भी दिखाता हूँ। एक फ्लोर पे एक दो, फिर बाद में इधर तीन और इधर चार, चार रूम है टोटल, इधर एक रूम ये और एक वो, और एक वो भाई का रूम, इधर फैमिली, फैमिली लेडीज, एक ये रूम है कहाँ घुसा दिया तीन तीन बोल बाहर का शूर एक छोटा था इसके लिए वो भाई बाटा में फिर भी लोग बाल्टी बनाते बोतल है एक और ये अपने बाबा भाई अपने बाबा ये इधर चल रहा स्लाइड स्लाइडिंग भाई सोए पार्टीशन रूम, इसका क्या रेंट है वा? 60 गड़ी में ये पर्सनल अपना लो, फ्रिज कबर्ड रखने कबर्ड टेबल, तो ये खाली दो जन का चाहिए, लोग को चार पांच जन ग्रुप नहीं चाहिए, सिर्फ दो जन जोड़ी में रहते ना भाई अपन, तो ऐसा सब सीन रहता रूम में, तो दो जन रहो एक जन रहो, तो ये रूम का ऐसा शॉट है। हाँ थैंक यू भाई, वापस ये दूसरी बॉटल देखो
बाथटब में ये वॉशिंग मशीन। सामने जो है वो बड़ी लिफ्ट है एक्चुअली, वो नीचे थी और ये थोड़ी छोटी लिफ्ट है। तुम लोग देख लिए कि बड़े रूम का क्या प्राइस है, छोटे रूम का क्या प्राइस है। अभी लोगों के क्वेश्चन है कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी सैलरी के हिसाब से मेरे को वैसा रूम मिलेगा कि नहीं। वो पार्टीशन 50-60 का, और अगर मैं सेपरेट हो रहा हूँ तो उससे कम कैसा होगा? मैं जीरो दबा दूंगा, हटाना एक ब्लॉक शूट हो जाएगा। ऐसा सब शॉर्ट है कि भाई 50-60 केडी का पार्टीशन, दो पब्लिक एक रूम में, बड़ा पार्टीशन लेके 35-35, 70 केडी या 60 केडी, 30-30 केडी। हम लोग 25-25 दिए थे, चार जन इतने से छोटे रूम में ना, एक पार्टीशन में चार जन थे, डबल डंकर बेड लगा के। ये जो दिखाया मेरा पहले वाला रूम, वो तो थोड़ा ये था, बड़ा था, स्पेस था। उससे पहले जब फर्स्ट टाइम घुसे थे ना, कंपनी में आके 50 केडी काट रही है, अगले महीने भी काटेगी, फटाफट रूम ढूंढो, और ये 24 को बोल दो कि हम लोग नेक्स्ट 25 को खाली कर रहे हैं, ऐसा मतलब पहले से इन्फॉर्म करने का। तो हम लोग फटाफट माहौल देखे, हम लोग के दोस्त ही आ रहा है, उन लोग एडवाइस दिए कि भाई ज्यादा रुक मत, वो साइड में जाओ, वहाँ पे सब कुछ है, फैसिलिटीज है, सालमिया एकदम बाउंड्री पड़ता है, सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है इधर, सब कुछ सालमिया में। तो ऐसा शॉट है, और बाकी भी प्लेस है, लोकेशन है, उधर भी रावस रावस चीज है, तो ऐसा शॉट है। कहीं ना कहीं तुम लोग को फायदा हुआ रहेगा इससे, हर हर प्रोफेशनल क्लीन टाइडी भी फ्लैट रहते हैं। 10-5 केडी एक्स्ट्रा भाड़ा रहता है, कभी कभी सेम भाड़े में रहता है, बिल्डिंग पे डिपेंड है, बिल्डिंग कितनी पुरानी है। नई नई बिल्डिंग में सब घुसते फटाफट, और बहुत पब्लिक गंदा करके निकलती उसको, और बहुत मेंटेन रखते, बहुत पब्लिक गंदा करती, बहुत पब्लिक मेंटेन रखती। कुछ कुछ फ्लैट ओनर साथ में रहते हैं, और फ्लैट ओनर कैसा रहते हैं, एक लेडीज हो गई या एक जेंट्स हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ है, मैरिज सर्टिफिकेट है, 3-4 फ्लैट लेके बिजनेस कर रहे हैं, सबको रेंट पे दे रहे हैं, तो वो सब शॉर्ट होता है। तो कुछ कुछ फ्लैट ओनर वही फ्लैट में सेम रहते हैं, कुछ कुछ किचकिच रहते हैं, कुछ कुछ एकदम साथ में घुल मिल के पार्टी इंजॉय करने वाले रहते हैं। तो वही सब डिपेंड करता है फ्लैट ओनर, जैसा भी साथ में रहे या नहीं रहे, बस वो आसपास वाले लोग का, कोई कोई आसपास वाला एकदम ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट रहता है कि उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं हुआ तो वो गलत चीज़ लेके कंप्लेन करेगा। फिर बिल्डिंग का वॉचमैन होता है हारिश बोल के, तो ये लोग बिल्डिंग का टेक केयर करते हैं, ये लोग से ही आके तुम लोग बिंदा से ऑफिस रहती है, ये तो ऑफिस नहीं है, ऐसा ऑफिस रहती है, तो वो ऑफिस में जाके तुम डायरेक्ट बात कर सकते हो, मेरे को पार्टीशन चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, फेसबुक पे इंडियंस इन कोविड है उसमें सर्च कर सकते हैं। तो वो सब तुम लोग के चीज़ों पे डिपेंड करता है कि तुमको स्टार्टिंग से पैसा क्या सर्वाइव करना है, पैसा बचाना है या खर्चा करके थोड़ा फैसिलिटी में रहना है, जो भी है, सैलरी पे डिपेंड है, एक्सपेंस पे डिपेंड, तो हो जाता है लोगों का काम। तो ये सब सीन था पब्लिक, कहीं ना कहीं ये वीडियो से तुम लोग को बेनिफिट हुआ ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो भाई, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत थैंक यू। शेयर करने लाइक किए तो शेयर करो, कमेंट में तुम लोग का फीडबैक बताओ। मिलते गाइस अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।